अक्टूबर को माह का पहला शनिवार था, जिसके चलते प्रदेश की प्रत्येक तहसील पर शासन के निर्देशानुसार संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कर जनता की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उनका निस्तारण भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराया गया। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर जनपद की सदर तहसील पर भी शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें SDM सदर परमानंद झा के अलावा सदर तहसील के अंतर्गत आने वाली विभिन्न नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, श्रम विभाग, विद्युत विभाग व आपूर्ति विभाग के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों ने भी उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं को सुनने के पश्चात उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन जनता को दिया। इस बार संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 47 प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त हुए, जिनमें सबसे ज्यादा शिकायतें आपूर्ति विभाग से संबंधित थी, जबकि राजस्व विभाग व अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं भी संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिकारियों को प्राप्त हुई। SDM सदर द्वारा सभी विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभागों को अग्रसरित करने के पश्चात समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए SDM सदर परमानंद झा ने बताया, संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक तहसील में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी व्यक्ति आकर अपनी समस्याओं का यहाँ पर निदान पा सकता है। इसी क्रम में आज यहाँ तहसील दिवस, जो संपूर्ण समाधान दिवस के नाम से आजकल जाना जा रहा है, इस पर सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित हुए हैं। पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, सभी थानों से हैं, CO साहब हैं, चकबंदी से हैं, सभी खंड विकास अधिकारी हैं, SDO विद्युत हैं, नगर पंचायत चरथावल और पुरकाजी से हमारे EO साहबान हैं। इसके अतिरिक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी और AE नलकूप, ये सब मौजूद हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका निदान हम कर रहे हैं। मुख्यतः आपूर्ति विभाग की समस्याएं हैं, अधिकतर भूमि विवाद से, जो ऐसे विवाद जो न्यायालय के प्रकरण हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, उन लोगों को समझाया जा रहा है और उसी तदनुसार निस्तारित यहाँ से टीम भेज करके आज ही निस्तारण करने के लिए भी हम लोग 2 बजे के बाद भेजेंगे। अभी तक 47 लोगों का प्रार्थना पत्र आया है और हम विभागवार उसको 2 बजे से पहले हम वितरण करा देंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि 7 दिवस के भीतर इस पर आके आ जाए। इसकी पुनः हम जांच करवाते हैं, उसकी फ़ोन से शिकायतकर्ता से पूछ लेते हैं कि वह शिकायत जो निस्तारण हुआ है उससे संतुष्ट है या नहीं। यदि संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसको फिट कर देते हैं, अन्यथा हम पुनः इसकी जाँच करवाते हैं।